गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे हम कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। आपने देखा होगा आपके एग्जाम में पूरा का पूरा एग्जाम जो पेपर है आपका नीरे, उसके अंदर टोटली क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किन शब्दों से मिलकर वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आज हम उन्हीं शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर, जैसे हम अभी से टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश के अंदर बेसिक जो इंग्लिश के 9 ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, कौन कौन से हैं वो? W H O, who, क्या बोलते हैं इसको? Who का मतलब होता है कौन। तो ये होते हैं whom, W H O M, whom, whom का मतलब होता है किसको। उसके बाद है हमारा W H O S E, whose, whose का मतलब होता है किसका। और उसके बाद है what, means क्या, which, कौन सा या कौन सी, where, कहां, और उसके बाद है when, कब, why, क्यों और how, कैसे। तो ये जो 9 वर्ड्स हैं इन्हीं को हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं, क्लियर है। तो इंग्लिश में 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड हैं, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए। कोई भी हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो ये वर्ड्स जो है 9 वर्ड्स, इनमें से किसी न किसी का हम प्रयोग करते हैं और इन्हीं को हम डब्ल्यू एच वर्ड्स भी कहते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहला करते हैं हम अपना हु। हु मतलब कौन। फॉर पर्सन टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब कर्ता और कर्म को ढूंढने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। क्या है? डब्ल्यू एच ओ, हु, कौन या किसको। अगला जो वर्ड है whom, W H O M, whom, किसको। फॉर पर्सन टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, अगर हम कहीं whom का प्रयोग कर रहे हैं तो यह है ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसे हमें उसका आंसर मिले, whom का प्रयोग हम करते हैं। तीसरा है whose, किसका। फॉर पजेशन टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पजेशन मीन्स जैसे पूछते ना, यह चीज किसकी है, यह पेन किसका है, यह चौक किसका है, यह हाउस किसका है, तो इस प्रकार यानी कि उसका किसी से क्या संबंध है उसके बारे में पूछने के लिए हम खुद शब्द का प्रयोग करते हैं। और हमारा फोर्थ पॉइंट जो है व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या या कौन सा। फॉर थिंग्स, वस्तुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्लियर है। इनके हम उदाहरण बाद में कर लेंगे, पूरी डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो जो अगला हमारा वर्ड है वो है विच। विच का अर्थ होता है कौन सा, कि तुम्हें कौन सा को या कौन सी चीज चाहिए, ठीक है, कौन सा जो आपको कलर पसंद है, इस प्रकार हम विच का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वेयर, कहाँ, प्लेस के लिए, स्थान को पूछने के लिए, स्थान को बताने के लिए, तो हम किस तरह शब्द यूज करते हैं वेयर का। आगे हमारा वेन, कब, फॉर टाइम, टाइम को पूछने के लिए, किस समय को पूछने के लिए हम वेन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा वाई, क्यों, फॉर रीजन, कारण क्या है उस चीज के पीछे, ऐसा क्यों हुआ, तो हम वाई का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा लास्ट का शब्द है हाउ, हाउ मीन्स कैसे, कि इसको हम करेंगे जैसे कोई आपका कोई मेथड है या हेल्प पूछने के लिए, या आपका कोई तरीका कैसा है, वो हम हाउ का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इनको बारी बारी से एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा हु, दूसरा है हमारा whom, तीसरा है whose, चौथा है what, पांचवा है which, छठा जो है वो where, सातवां जो है when, आठवां जो है why और नाइन्थ जो है हमारा how, क्लियर है। अब हम इनको डिटेल से विद एग्जाम्पल समझते हैं, कैसे इनसे हम सेंटेंस बनाते हैं और इसको हम कैसे वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं।